एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एट होम। तो आज हम देखेंगे कि पुराने हैंगर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम का हैंगर लिया है। आपके पास में जो भी वायर का हैंगर अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसे खींचना है और खींचते हुए हम इसे स्ट्रेच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके जो दो साइड्स हैं उसमें इस तरीके से हाथ रखते हुए हमें इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ना है। उस तरफ हाथ रख देंगे तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको जोर लगाते हुए अच्छे से मोड़ना है और इसे अच्छे से हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। और ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा पास पास में कर लेंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये पूरा पर शेप में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम का हैंगर यूज़ किया है, तो जिसके कारण ये इजीली मोल्ड हो रहा है। आप चाहें तो आप किसी भी वायर का हैंगर यूज़ कर सकते हैं, पुराने हैंगर का आप यूज़ इजीली कर सकते हैं। और ये हमारा स्टैंड तैयार है। इसे इस तरीके से आप किसी भी कील पर, किसी भी उस पर टांग सकते हैं और इस तरीके से हम इसमें चकला बेलन रख सकते हैं। अक्सर जब हम बर्तन साफ़ करते हैं, चकला बेलन धोते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि उसे कहाँ पर रखें, तो इस तरीके से ये इजीली हैंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।